जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं एक नई रेसिपी, प्याज केरी की चटपटी चटनी। प्याज और केरी की चटनी बनाने के लिए हमारे सामग्री चाहिए, एक छोटी केरी, एक मीडियम साइज का प्याज, दो फीकी वाली हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, थोड़ा सा कोथमीर, आधी चम्मच काला नमक, आधी चम्मच सादा नमक, दोनों नमक अपने स्वाद के अनुसार आप आधा आधा ले जा सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा मैंने गुड़ का लिया है और एक टेबल स्पून शक्कर लिए। तो आइए हम बनाते हैं। ये केरी को छीलकर मैंने बारीक बारीक इसके पीस कर चुकी हूँ और अब इसी में हम हरी मिर्च को बारीक बारीक काट लेंगे। दोस्तों, अब मिक्सर का जार लेकर उसमें हम सबसे पहले केरी और हरी मिर्च के टुकड़े डालेंगे। मीडियम साइज का प्याज काटकर इसमें डाल देंगे। एक टेबल स्पून शक्कर डाल देंगे, थोड़ा सा जो गुड़ था दोस्तों वो हमने इसमें डाल दिया है, 1/4 टीस्पून चम्मच हल्दी डाल दी है और स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। अब जो सारी सामग्री है वो हमने इस जार में डाल दी है और दोस्तों इसको भी हम थोड़ा रुक रुक कर पीसेंगे। ये देखो दोस्तों, प्याज केरी की चटपटी चटनी बनकर तैयार है। दोस्तों, ये हमारी प्याज केरी की चटनी बनकर तैयार है। इसे दाल बाटी के साथ खाया जाता है, ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और ये अब बनकर तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर मेरी ये चटनी आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे अगली रेसिपी में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।